जय हिंद दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स जिन्हें जिन्होंने 2020 में अपने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त मुनाफा दिया है सो हम फटाफट ऐसे सभी स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं एंड दोस्तों अगर आपको पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स को ढूंढ ला सके दोस्तों यहाँ हम अपने पहले पेनी स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज पर आ गए दोस्तों तो अगर इसका शेयर प्राइस देखा जाए जा तो करीब इक्कीस रुपये के ऊपर ही चल रहा है दोस्तों तो इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों इस कंपनी ने इतना ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है कि दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि इसने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं इनके उन सभी को करोड़पति बना के छोड़ा है दोस्तों और अगर इस कंपनी का एक साल का चार्ट पैटर्न देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए करीब मार्च अप्रैल महीने में करीब ये कंपनी चार रुपये दस पैसे पर चल रही थी जिसका अभी प्रेजेंट टाइम से अगर देखा जाए तो इक्कीस रुपया पच्चीस पैसा इक्कीस रुपये के ऊपर ही चल रही है दोस्तों तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी ने पाँच गुना से भी ज़्यादा मुनाफा अभी तक दे दे दिया है और अगर बीच में बात किया जाए दोस्तों तो ये कंपनी करीब पचपन रुपये पचहत्तर पैसे के करीब भी गया था तो देखा जाए तो इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा दिया था यहाँ हम विकीपीडिया पैर आ गए दोस्तों जिससे कि हम इस कंपनी के थोड़े और डिटेल जान सके दोस्तों तो देखा जाए दोस्तों ये कंपनी बीएससी और एन दोनों ही जगह पर लिस्टेड है और अगर इस इसके इंडस्ट्रीज की बात की जाए दोस्तों ये टेक्सटाइल्स रिटेल्स और रियल इस्टेट ये तीनों जगह पर ये काम करती है दोस्तों और अगर इस कंपनी के पेरेंट की बात की जाए तो दोस्तों इस कंपनी के पेरेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंड़िस्... के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों तो देखा जाए तो दोस्तों यह कंपनी जो हमारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और पिछले एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त मुनाफा दिया है हमारी जो दूसरी कंपनी है जो पेनी स्टॉक से जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सुबेक्स लिमिटेड तो दोस्तों इसका भी अगर शेयर प्राइस देखा जाए तो अट्ठाईस रुपये के ऊपर ही चल रहा है और अगर इसके एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों तो यहाँ पे ये एक साल पहले करीब पाँच रुपये के पास पाँच छः रुपये के आसपास चल रहा था दोस्तों लेकिन आज अगर इसका आज का शेयर प्राइस देखें तो करीब अट्ठाईस रुपये के ऊपर है तो देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी ने भी करीब साढ़े चार गुना तक अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप इस कंपनी का जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेनी स्टॉक है तो इसका मार्केट कैप है पंद्रह पॉइंट फाइव सिक्स बिलियन दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी की तो यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है और अगर देखा जाए तो इस यह कंपनी हमको एन और बी दोनों जगह पे ही लिस्टेड देखी जा सकती है और अगर इस कंपनी की एरिया सॉफ्ट की बात करें दोस्तों तो यह वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करने वाली कंपनी है और अगर इसके सी और एम की बात करें तो दोस्तों सी और एम विनोद कुमार जी है और सी की बात करें तो दोस्तों सुरेश चिंताड़ा है जबकि सी ओ शंकर रोधम है और सी एफ ओ वेंकटरम जी, जी है तो दो, दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी जो ये कंपनी है सुबेक्स लिमिटेड तो यह भी एक जबरदस्त कंपनी है और आगे भी फ्यूचर में भी आपको यह जबरदस्त प्रॉफिट देख सकती है दोस्तों जब लेकिन अगर इस साल की बात करें केवल तो इस साल यह बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आप लोगों को दिया है तो हमारी जो तो इसी कंपनी है दोस्तों वो कारदा कंस्ट्रक्शन है दोस्तों और अगर देखा जाए तो यह भी यह यार एक के ऊपर ही चल रहा है दोस्तों अगर इसके भी एक साल का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसके एक साल का चार्ट पैटर्न भी बहुत ही जबरदस्त है इसने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल के अंदर ही चार सौ एक परसेंट का मुनाफा दे दिया है दोस्तों तो देखा जाए यह भी एक जबरदस्त कंपनी है और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो सिक्स बिलियन इसका मार्केट कैप है तो देखा जाए तो हमारा जो कंपनी है यह भी एक मल्टी कंपनी है जो कि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक है दोस्तों तो रिस्क भी बहुत रहता है तो दोस्तों अगर इसके सितंबर महीने का परफॉर्मेंस देखा जाए तो, तो इस रिवेन्यू में देखा जा रहा है दोस्तों कि 16.21 परसेंट का गिरावट है जबकि नेट इनकम देखा जाए दोस्तों तो दो परसेंट का मुनाफा देखने को मिल रहा है दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे करीब पच्चीस परसेंट का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो दोस्तों और अगर इसमें कैश ऑन हैंड की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है जो फिफ्टी परसेंट हमको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारी जो ये कंपनी है कारदा कंस्ट्रक्शन वो भी एक जबरदस्त कंपनी है और जो ये भी एक इस साल तो मल्टीवेगर कंपनी साबित हुई है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त मुनाफा दिया है दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेनी स्टॉक्स पर हमारा जो नेक्स्ट पेनी स्टॉक है दोस्तों वो केल्टन टेक्स सोलूशन लिमिटेड है दोस्तों और अगर इसके शेयर प्राइस देखा जाए तो अस्सी रुपये पर इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहली बात हम यहाँ पर जो भी जितने भी पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम उनका एक साल का परफॉर्मेंस ही बता रहे हैं दोस्तों जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है दोस्तों तो इस कंपनी का भी अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखा जाए दोस्तों तो करीब सत्रह रुपये पचास पैसे पर चल रहा था जो कि अभी प्रजेंट टाइम में करीब उन्यासी पॉइंट नाइन फाइव या अस्सी रुपये आप कह सकते हैं और अगर इसके परसेंटेज देखा जाए जा दोस्तों कि इसने अभी तक एक साल में कितना मुनाफा दिया है तो दोस्तों देखा जा रहा है कि यहाँ पर तीन सौ बारह परसेंट का इसने अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है और अगर मार्केट कैप की बात करें दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यह पे पेनी स्टॉक है तो ये सेवन पॉइंट सिक्स वन बिलियन इसका मार्केट कैप है सो so, इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी हमको बीएससी और एनएससी दोनों ही जगह पे लिस्टेड देखी जा रही है दोस्तों और अगर इसकी इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो आईटी सर्विसेज एंड आईटी टी कंसल्ट कंसल्टिंग है और अगर इस कंपनी के सर्विसेज देखा जाए दोस्तों ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज सॉल्यूशन का यह काम करती है दोस्तों तो दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें दोस्तों कैलटल टेक की तो इसका भी एक साल का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है दोस्तों ओवरऑल इसने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल के अंदर ही माला माल किया है दोस्तों हम जिस नेक्स्ट पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं दोस्तों वो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड है और इस देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस पैंतालीस रुपये के ऊपर देखने को हमको मिल रहा है और अगर इसके भी एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों तो करीब एक साल पहले ये करीब दस रुपये नब्बे पैसे पर चल रहा था चल रहा था एंड अभी अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो पैंतालीस रुपये के ऊपर चल रहा है और अगर एक साल का रिटर्न की बात करें दोस्तों तो एक साल का जो रिटर्न है वो करीब तीन परसेंट का इसने अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया हो दोस्तों तो देखा जाए दोस्तों एक साल में ही इसने एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया है दोस्तों एंड अगर इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसका मार्केट कैप सिक्सटी बिलियन है यहाँ विकिपीडिया पर आ गए दोस्तों तो इस कंपनी को थोड़ी और डिटेल जान जान लेते हैं दोस्तों तो देखा जाए तो यह कंपनी हमको बी और एन दोनों ही जगह पर लिस्टेड देखने को मिल सकती है और अगर इस, इसके इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल इसकी इंडस्ट्री है एंड अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों तो ट्रांसफार्मर्स पम्प्स एस एंड एल मोटर्स डी मोटर्स रेलवे साइनलिंग इनके प्रोडक्ट्स दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया वो सभी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बेस्ट एक साल का है दोस्तों तो एक साल में देखा जाए तो वो सभी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है दोस्तों और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करें ना कि पेनी स्टॉक्स में क्योंकि पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर एक महीने में आप अगर ये आपको आपके पैसे डबल कर रहे हैं तो दोस्तों वहीं अगर एक महीने में आपके पैसे को डूबो भी सकती है दोस्तों तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो होप दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद